लगता है कि ऐसा जिंदगी भी था, ऐसी जिंदगी जीते हुए भी अभी मैं यहां पर पहुंचा। मतलब आज भी चाय बगान में लोगों को सैलरी मिलता है हाईएस्ट 5,000, कितना 5,000 महीना का मिलता है। अभी दुर्गा पूजा के टाइम बोनस मिलता है, बहुत सारा कोई कोई टी गार्डन तो ताला मार के चला गया, बोनस नहीं दे पा रहा है, ताला बंद कर दिया और भाग गया, ऐसा भी हुआ है। और जो कुछ चाय बगान लोग दिया वो लोग बोनस दिया होगा तो 10,000 मिला बोनस। अभी 10,000 बोनस मिला तो उससे कितना लोगों का चलेगा, चलेगा? तो ये तो अभी का बात बता रहा हूं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए थे, आप बोल सकते हैं चाय बगान मतलब गुलामी प्रथा, मतलब रिप्लेसमेंट मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब में तो मिलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा बढ़िया है ना, अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन यहां पर गुलामी प्रथा मतलब दादाजी कर रहा था, फिर पिताजी, फिर मेरा बारी आएगा, ऐसा चलता है। तो पिताजी जब रिटायर्ड हुए उस समय 2006 की बात है, उस समय पिताजी का सैलरी था 2,000 रुपया। और जब मैं स्कूल पढ़ता था, मुझे क्लास 5 में प्राइमरी से हाई स्कूल एडमिशन कराया, 1990 का बात है, मैं क्लास 5 में एडमिशन किया था 1990। उस टाइम पिताजी का महीने का सैलरी था 500 रुपया, 500 रुपीज। तो मुझे पिताजी ने बोला था कि आप पैदल चलने से जितना दूर स्कूल है उधर पढ़ाई करो सरकारी स्कूल में। तो मैं नहीं बोला, उस समय एक स्कूल था 15-20 किलोमीटर दूर, उधर थोड़ा अच्छा पढ़ाई होता था। तो पिताजी ने बोला कि मैं तो वो स्कूल में तुमको पढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं ठीक है, आप कैसे भी करके मैनेज कीजिए, क्योंकि 7 भाई-बहन, एक 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 बच्चा के पीछे अगर इतना खर्चा करेगा तो वो भी सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्यों, आने जाने का भाड़ा खर्चा ये सब कैसे होगा, मुश्किल है। 1 रुपया मुझे देता था, बोला कि ठीक है मैं 1 रुपया दूंगा रोज का। उस समय ऐसे ही 50 पैसा 1 रुपया ऐसा बस में किराया लगता था। लेकिन क्या हुआ, वो 1 रुपया मेरा जिंदगी में कुछ सिखा दिया। पिताजी ने मुझे एडमिशन कराने के लेके गया तो एक बस में 50 पैसा लगा स्कूल तक जाने में मेरा घर से, तो सोचा आने जाने का 1 रुपया देने से चलेगा। तो मुझे 1 रुपया दिया, ऐसा रोटी कागज में लपेट के, स्कूल का झोला होता था, एक बैग नहीं झोला, कपड़े का झोला, उसमें किताब कॉपी रख के निकल गया। लेकिन जो बस में चढ़ा उसमें 75 पैसे 75 पैसा लिया, अब मेरे पास बच गया 25 पैसा। और वापस आने के लिए तो फिर 50 पैसा मिनिमम तो लगेगा अगर वो बस पकड़ा तो, और वो बस सुबह निकल जाती है उसको नहीं पकड़ सकते, रिटर्न आने के टाइम भी 75 पैसा लगेगा, तो 1.5 रुपया कैसे होगा। मैं उस दिन क्लास 5 में बच्चा ही था, छोटा, जस्ट कभी भी बाहर नहीं निकला था घर से, फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन कराया क्लास 5 में, तो अब वापस कैसे आऊंगा, किसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं रोता रहा। फिर मैं बहुत दूर तक पैदल चल के आया आधा, और वहां से आने से भी 50 पैसा लगेगा, और वो 25 पैसा भी मैं उस समय बॉन मिलता था, क्वार्टर बॉन 25 पैसे का, वो खरीद के खा लिया, भूख लगा था, अब मेरे पास पैसा भी नहीं था। लेकिन दो दीदी लोग था सीनियर क्लास का, तो लास्ट में कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो लोग को बताया ऐसा ऐसा है कहानी, तो वो लोग मुझे लेके आया घर। घर में पिताजी को सारा कहानी बताया, पिताजी ने बोला मैंने तो बोला था तुमको कि मैं तुमको 1 रुपया दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है पिताजी, आप 1 रुपया से ज्यादा नहीं दे पाएंगे बोल रहे हैं, मुझे 1 रुपया नहीं, लाइफ टाइम के लिए 5 रुपया दे दीजिए, मैं आपको 5 दिन के बाद, एक ही बार 5 दिन का 1-1 रुपया देने से अच्छा 5 दिन का मुझे 5 रुपया दे दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा, उसके बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। और वो 5 रुपया लिया, और वो 5 रुपया का मैंने क्या किया, 1 रुपया 1.5 रुपया मेरा आज का गाड़ी भाड़ा, मैंने सुबह चना और मटर खरीदा और खरीद के उसको भिगो के स्कूल चला गया।
शाम को आया भुजा, चकना बोलते हैं ना चकना, और उधर आप लोग को उधर भी लगता होगा बाजार, हाट बाजार वैसा मुर्गा लड़ाई वगैरह ऐसा बोलते हैं, वैसा हाट बाजार सब लगता है उधर, बहुत कुछ मिलता है उधर भी। एक घर में पीरा होता था, चेयर कुर्सी वगैरह भी नहीं था मेरे घर में, बेड नहीं, ऐसा जमीन पे सोते थे, ऐसा परिस्थिति था। तो पीरा बोलते है ना काट का, ऐसा नीचे बैठने वाला मालूम है, तो वो होता था। वो पीरा में एक टिफिन में चना मटर डाल के मैं लेके गया, 10 रुपए का धंधा हो गया, मैंने बिजनेस मेरा वहां से शुरू हुआ। यस, पिताजी से 5 रुपया पूंजी लिया और बोला आज से 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, मैं सेल्फ डिपेंड। क्लास 5 से मैं सेल्फ डिपेंड हो गया और मैंने 5 का 10 बना लिया डेली का। तो रोज मैं ऐसे ही करता था, स्कूल जाने से पहले चना मटर भिगो के रख देता था और जाता था ऐसा। क्लास 7 में पहुंचा, 7 से 8 जा रहा था, 1993 फ्लड आ गया, फ्लड बहुत बड़ा फ्लड हुआ था उस समय। आसाम में तो हर साल होता है, इधर कभी कभी होता है तो जोरदार होता है, तो बहुत बड़ा फ्लड हुआ, पूरा घर वर सब डूब रहा था, उस समय खाने को भी नहीं मिल रहा था, उस समय भी बहुत तकलीफ हुआ। तो उस समय बेकरी का होता है ना बिस्किट वगैरह वो ये सब का बिजनेस शुरू किया, थोड़ा पूंजी बढ़ गया था, मतलब 2-4 हजार हो गया, तो वो लाके हाट बाजार में बेचता था। फिर थोड़ा ये किया सब्जी मार्केट, सब्जी का बिजनेस भी किया, सब्जी का बिजनेस करता था ऐसा। मतलब उस समय से मैं समझ गया कि बिजनेस करने से हमेशा पॉकेट में पैसा रहता है, ये चीज मेरे दिमाग में था। तो मैंने कभी भी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। एक दो बार क्लास 10 पास करने के बाद दोस्तों का साथ में कुछ, मतलब हंसी मजाक में, मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं किया, तैयारी भी नहीं किया। रेलवे का एग्जाम मेरे पास एसटी सर्टिफिकेट था, ट्राइबल सर्टिफिकेट, मतलब रेलवे में भी फ्री टिकट मिलता था। चलो कलकत्ता घूमने चलते हैं, चेन्नई घूमने चलते हैं, इस चक्कर में मैं फॉर्म भरता था। तो एक दो बार रेलवे का एग्जाम दिया, एग्जाम में कुछ नहीं, एक दो बार वो एसएससी का एग्जाम दिया, एक दो बार वो डिफेंस वगैरह में जाके एग्जाम दिया। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में जाने आने का भाड़ा फ्री होता था, उधर घूम भी लेंगे, कुछ जगह देख लेंगे, इस चक्कर में जाता था, नौकरी के चक्कर में नहीं, और अपना तो धंधा पानी था ही, कुछ भी कर लेंगे। तो मेरा लाइफ में ना मतलब इतना गरीबी था, गरीबी ने सिखा दिया पैसा कमाना। यस और यस, यहां पर क्या होता है ना, लोग एक्सक्यूज करते हैं कि मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, ये काम। सर कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा, आप अपने लिए अगर काम करेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता है। yes. आपको अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा, आप अगर खुद काम करेंगे अपने लिए बाकी लोग तो करेंगे, ऐसे ही सब लोग सोचेगा मुझे खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बड़ा टीम बन जाएगा। आज सोचिए 5 लोग, हम 5 लोग शुरू किए थे, ओरियंस बिजनेस का शुरुआत जब किए थे हम 5 लोग थे, और जब शुरू किया बहुत सारे लोग ऐसा बोले ठीक है मैं अपना दोस्त को बोलता हूँ, भाई को बोलता हूँ, रिश्तेदार को बोलता हूँ, अगर वो लोग रेडी होते हैं तो मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने जब शुरू किया 2012 13 अगस्त, मैं 4-5 लोगों को बुलाया, इधर राहुल सर, मनोज सर, दावा सर, ये लोग थे, इन लोग को मनोज सर ने बोला आपका क्या डिसीजन है। मैंने बोला कोई करे नहीं करे मैं तो कर रहा हूं, मैंने लॉगिन कर दिया, ज्वाइनिंग कर दिया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैंने बोला उधर मौसम सर और उनका 4-5 लोगों से बैठा, उनको भी बोला मैंने स्टार्ट कर, वो लोग मुझसे हाथ मिलाया, नहीं आपने जब डिसीजन ले लिया है आपका डिसीजन सही होगा, सोच समझ के ही आपने डिसीजन लिया होगा, बस स्टार्ट। और उस दिन से जो स्टार्ट किया आज तक स्टार्ट है। अभी भी मैं सोचता हूं कि मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं, मैं वन डायमंड, क्योंकि आज मैं यहां मीटिंग करूंगा, निकलूंगा, मैं 2 दिन से इधर ही हूं, 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा था लाटागुड़ी में, और दूसरे दूसरे जगह भी प्रोग्राम चल रहा था, यही रिसोर्ट में, उधर भी लोग फुल थे, 100 लोगों का मीटिंग हुआ। कल फिर मैं फ्लाइट पकड़ के छत्तीसगढ़,
नया टीम बनाना है, नया एरिया में स्टार्ट करना है। आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, नए लोगों को नहीं बोल रहा हूं। आप 5 डायमंड 6 डायमंड आप अपना पारा परिवेश आस पड़ोस से बन सकते हैं, 7 डायमंड भी बन जाएंगे, टान टून के आप गोल्ड डायरेक्टर भी बन जाएंगे। लेकिन गोल्ड डायरेक्टर होने के बाद ना आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। यस और यस? आज हम लोग प्रूव कर दिया सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ओरियस से बढ़िया कोई टेस्टिमोनियल नहीं है। यस, नॉर्थ ईस्ट में लोग लास्ट में आते थे, लास्ट नॉर्थ ईस्ट में सारे जगह काम हो जाता था, दिल्ली मुंबई कोलकाता हर जगह लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस आता था। हम लोग नीचे रगड़ते थे और ऊपर वाला मलाई खाता था, एंजॉय करता था। दिल्ली मुंबई मर्सिडीज लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, सब दिल्ली मुंबई चेन्नई का लोग लेता था। लेकिन आज मैं यहाँ पर आप बोल रहा हूं, आप लोग गोल्ड डायरेक्टर तक पहुंच गए हैं, नेक्स्ट डायमंड डायरेक्टर मतलब आसाम में, बंगाल में तो निकल चुका है, आसाम में नेक्स्ट लग्जरी कार आप लोग निकालेंगे। yes! और आप लोग हैं जो आसाम से आप बिजनेस को बांग्लादेश ले जा सकते हैं, दुबई ले जा सकते हैं। दुबई ऑलमोस्ट प्रोसेस हो रहा है, अभी हम लोग टूर में जाएंगे दुबई टूर, तो वहां पर भी आप बिजनेस को ले जाइए। इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, सारे जगह पे बिजनेस आप फैलाने का कोशिश कीजिए, सारे जगह पे जाने का कोशिश कीजिए। वो सारे एरिया में आप जाएंगे तभी जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा, फैलेगा। तो सोचिए, पहले तो उधर से बिजनेस होके आता था, आप अभी गुवाहाटी से गोवा बिजनेस ले जा सकते हैं, आप अभी आसाम से आंध्र प्रदेश बिजनेस ले जा सकते हैं उधर। तो क्या होगा, वो सारे एरिया में बिजनेस बढ़ेगा, कहां का लोग उठेगा, आसाम का, बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का, ये सारे जगह का लोग उठेगा। तो अब आप और आपके सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, धीरे धीरे अदर स्टेट अदर एरिया में भी आप लोग जाके बिजनेस को फैलाएंगे तो और बड़ा अचीवमेंट आप लोगों का होगा। हमने भी जब शुरू किया तो अपना गांव एरिया से ही शुरू किया, जहां मेरा यहां से लगभग 80 किलोमीटर है, मेरा नेटिव प्लेस चाय बगान अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां से मैंने शुरू किया था। एक दिन में 2 साल का कमिटमेंट किया था, 2 इयर्स। मेरा घर में वाइफ को भी बोला, क्योंकि मैं भी ओरियंस करने के पहले भी 2001 से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना, ऐसे तो छोटा मोटा बिजनेस सब्जी बेचना ये करना वो ऐसा तो बचपन से किया, तो वो सब एक्सपीरियंस तो था, लेकिन उससे बहुत बड़ा लाखों करोड़ों इतना रुपया आएगा ऐसा तो नहीं था। हाँ, अपना जिंदगी चल जाता कट जाता ऐसा था, लेकिन बड़ा पैसा कमाने का कैसे, 2001 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना। उस समय गवर्नमेंट नौकरी करने वाला लोग, जो लोग ग्रुप बी में काम करता था, उन लोगों को 5,000-6,000 रुपया सैलरी मिलता था, तो वो लोग बोलने लगा कि 50,000 महीना का इनकम होगा। मैं सोचा अरे वाह, ये क्या बिजनेस है। उस समय भी लगभग 4-5 हजार रुपया का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, और वहां पर क्या होता था, आप 50,000 कमा सकते हैं। तो ज्वाइन किया 2001, 2003, 2004, 4 साल में 4 लोग भी ज्वाइन नहीं करा पाए। तो सोचिए, मेरा जैसा लड़का जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, 4 साल में 4 लोगों को भी लगा नहीं पाए ज्वाइनिंग, फिर वो कंपनी छोड़ दिया, नहीं होगा। फिर दूसरा एक कंपनी आया 2005 में, लोकल, ऐसे लोकल में बहुत लोग खोलता है ना कंपनी थोड़ा दिन के लिए, मतलब झालमुड़ी बोल सकते हो, थोड़ा दिन के लिए मतलब खोलता है ऐसा एक कंपनी में, चलो भाई ट्राई मारते हैं, 4-5 हजार का प्रोडक्ट खरीद के ज्वाइनिंग करके तो काम नहीं हुआ, 4-500 वाला स्कीम में ज्वाइन हो गया, एक बाइक अचीव कर लिया। बोला अरे भाई ये तो बढ़िया है, 500 रुपए का स्कीम में एक बाइक, एक टीवीएस का बाइक दिया, खरीद लिया और काम करने लगा। जैसे ही बाइक अचीव हुआ ना, कंपनी खत्म। आप बाइक तो ईएमआई में खरीदा, अभी भी मुझे याद है 1734 रुपया,
मैं सोचा 2005 और पार्ट टाइम में कर रहा था तब स्कूल में टीचर, मेरा सैलरी था 1000 रुपया और 2006 हो गया, 6 में शादी भी कर लिया और डबल इंजन हो गया, शादी भी कर लिया, बाइक का ईएमआई भी देना है और इधर 1000 रुपया है, कैसे चलेगा। 2006 में एक दोस्त आया, रेडीमेबल प्रिफरेंस शेयर डिबेंचर, बोला मनी मार्केट सर ये भाई देखो ये किताब लेके आया पूरा, हम लोग कॉलेज में अकाउंटेंसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते थे उसमें किताब लेके आया सुबह सुबह, मुझे पकड़ने के लिए 4 बजे आया है, 4 बजे आके मेरा घर में बैठ के 2-3 घंटा समझाया। मैं बोला भाई किताब अगर बोल रहा है ठीक है, शुरू किया 50,000 में पहुंच गया 5-6 महीना में, महीने का 50,000 जो सपना देखा था 4 साल पहले 50,000 पहुंच गया 50,000, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। 2006-7-8 सीनियर लोगों के साथ में कुछ ये हो गया, उधर मनी मार्केट कितना लोग किया, मनी मार्केट उधर रैंक फैक्टर होता है ना, तो उधर रैंक होता है, तो मुझे 3 नंबर रैंक से दिया था पहला बार और वो 14-15 नंबर रैंक तक था, तो बीच में गैप रखा था। बाद में मुझे समझ आ गया कि सीनियर मेरा साथ तो गैप रखा है, वो कमीशन खा रहा है, गैप कमीशन, ऐसा ना मनी मार्केट में वो कहानी था गैप कमीशन। तो मुझे समझ में आया, मैं गुस्सा हो गया, फिर 2008 में सारा फॉर्म वो लोग के सामने फेंक दिया, बोला आज से तुम लोग करो मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ तो धोखा हुआ, ऐसा मैं बोल के छोड़ दिया। और मुझे मनी मार्केट मजा भी नहीं आ रहा था, और अच्छा हुआ 2008 में मैंने छोड़ा, 12-13 आते आते सारा कंपनी बंद हो गया, मेरा पार्टी लोग का मोटा मोटी मेच्योरिटी मिल गया, बचा कुचा ऑडियंस जिंदाबाद, आज कमाया फिनिश कर दिया। तो जो होता है ना, मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए